Hello guys, welcome to my channel. My name is Abhishek and in today's video we'll discuss how to count the number of variables, constants and keywords from a file. ठीक है, हमें एक फाइल दी हुई है, उसमें हमने कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स काउंट करने हैं. कॉन्स्टेंट्स मतलब जैसे हमारा न्यूमेरिक वाले हो गए 10, 20, 30. कीवर्ड जैसे कि हमने यहाँ पे सिर्फ दो तीन ले रखे हैं, जैसे हम फॉर ले रहे हैं, प्रिंट एफ ले रहे हैं, ये हमारे कीवर्ड्स हो गए. और वेरिएबल्स जैसे कि हम सिंपल बनाते हैं इंट ए बी सी एक्स जैसे करके, ये हमारे वेरिएबल्स हो गए. ठीक है, हम इनका काउंट कर रहे हैं बेसिकली फाइल से. तो सिंपली मैंने क्या किया है देखते हैं हम यहाँ पे. हमने सबसे पहले अपना एक फाइल ओपन किया है डेमो डॉट टी एक्स सी नाम से. रीडिंग मोड में मैंने उसको ऑन किया है. क्यों? क्योंकि मेरे को उससे कंटेंट फेच करना है. ठीक है, और मैंने ऊपर ये की कॉन और वी ए आर नाम से जो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, ये मैंने काउंट रखने के लिए बनाए हुए हैं कि कितने वेरिएबल्स हैं, कितने कॉन्स्टेंट्स और कितने कीज हैं. ठीक है, और एरे का क्या यूज है भी हम आगे देखते हैं. सिंपली हमने क्लियर स्क्रीन अपना कर दिया, जैसे कि अगर हमारा कुछ कंटेंट होगा तो स्क्रीन पर हट जाएगा. फिर हमने वाइल लूप चलाया. ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है एफ स्कैन एफ वाला पार्ट. अब आप देखिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ. यहाँ पे फाइल पॉइंटर मतलब जिस फाइल को मेरा फाइल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, मैं उस फाइल को यूज़ कर रहा हूँ. मैं उससे एक डेटा, एक स्ट्रिंग उठा रहा हूँ पूरा, परसेंटेज एस. ठीक है, आई एम फेचिंग अ स्ट्रिंग, पूरा स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग उठा रहा हूँ और उसको स्टोर कहाँ कर रहा हूँ, ए में. ए नाम का जो मैंने ऊपर ही एरे बनाया ना, ठीक है, मैं उसमें ए नाम के वेरिएबल में, एरे में स्टोर कर रहा हूँ पूरा स्ट्रिंग. और फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि इट इज़ नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल. मतलब एंड ऑफ फाइल कब आता है, जब मेरा फाइल खत्म हो जाता है, मतलब मेरा कोई कंटेंट आगे, मेरा कोई स्ट्रिंग बचा ही नहीं है. ठीक है ना, वैल्यू फेच होने के लिए. मतलब सो गाइज, जब भी एफ स्कैन एफ हमारा एंड ऑफ फाइल आ जाएगा, मतलब हमारा फाइल एम्प्टी हो चुका है. और जब तक हमारा फाइल एम्प्टी नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारा एंड ए में परसेंटेज एस, मतलब हम एक स्ट्रिंग को फेच कर रहे हैं. ठीक है, हमारा ए में एक स्ट्रिंग फेच होकर के आ गया है एफ पी फाइल से. फिर हम क्या कर रहे हैं, जो हमने स्ट्रिंग को फेच किया है, ठीक है, हमने ए नाम के वेरिएबल में फेच कर लिया, तब हम इसको कंपेयर करेंगे कि इफ़ स्ट्रिंग एस टी आर सी एम पी हमारा कंपेयर करने के लिए होता है सी में फंक्शन. ठीक है, और ये हमारा स्ट्रिंग डॉट एच इस फाइल में डिफाइन होता था, इसलिए मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है, इंक्लूड कर लिया, हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच. और सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ स्ट्रिंग कंपेयर, मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि जो मेरा स्ट्रिंग है ए, ठीक है, जो मैंने स्ट्रिंग फेच किया है ए में, क्या वो मेरा फॉर के इक्वल है. अगर वो मेरा फॉर के इक्वल है, इज इक्वल टू जीरो, अगर वो ट्रू होगी कंडीशन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कीवर्ड मेरा प्लस प्लस कर रहा हूँ मैं. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ गिने चुने कीवर्ड्स लिए हैं, जैसे मैंने फॉर में गिन रहा हूँ. अब सपोज मैं प्रिंट एफ भी गिनना चाह रहा हूँ कि स्ट्रिंग कंपेयर, अगर ए मेरा प्रिंट एफ के इक्वल है तो ये भी मेरा कीवर्ड हो गया. ठीक है, तो कीवर्ड प्लस प्लस, या फिर और स्ट्रिंग कंपेयर मैं कर रहा हूँ कि ए अगर मेरा वाइल है इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर मेरा ए जो मैंने स्ट्रिंग फेच किया वो वाइल के इक्वल है, तो मेरा कीवर्ड प्लस प्लस. ठीक है, तो मेरे ये सब कीवर्ड के लिए हो गए. अब एल्स इफ पार्ट में मैं चेक कर रहा हूँ एस स्कैन एफ. नाउ गाइस, अब ये वाला पार्ट हमारा एल्स इफ का इंपॉर्टेंट है. एस स्कैन एफ का मैंने यूज़ किया हुआ, इससे क्या कर रहा हूँ मैं, आई एम कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू इंटीजर टाइप. ठीक है, यूजिंग एस स्कैन एफ. मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है हमको कॉन्स्टेंट्स भी तो काउंट करना है ना हमें क्वेश्चन में, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कॉन्स्टेंट्स बीच में आ जाए, कभी भी आ जाए, जैसे 100 वैल्यू है या 500 वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, तो उसको हम चेक कर रहे हैं कि एस स्कैन एफ की ए जो हमारी वैल्यू है, अगर वो इंटीजर है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी एक्स में स्टोर हो जाएगी. ठीक है, एक्स मैंने इंटीजर ऊपर एक डिफाइन किया हुआ है. ठीक है, यू कैन इनिशियलाइज विद एनी वैल्यू, नो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी वैल्यू हम यहाँ पे ए से उठाएंगे वो एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी. ठीक है, और वो हम यहाँ पे एस स्कैन एफ की मदद से चेक कर रहे हैं. तो अगर ऐसा होगा, मतलब ऐसा अगर हमारा कोई वैल्यू आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, मतलब ठीक है, अगर हमारा कोई कॉन्स्टेंट आएगा तो हम कॉन्स्टेंट प्लस प्लस कर देंगे, और एल्स अपना, वरना सब कुछ हमारा वेरिएबल प्लस प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो अपना वेरिएबल्स को हम सिंपली एट द एंड प्रिंट कर देंगे. वेरिएबल्स कितने हैं, परसेंटेज डी, कॉन्स्टेंट्स कितने हैं परसेंटेज डी, और कीवर्ड्स कितने हैं परसेंटेज डी, विद हेल्प ऑफ वेर कॉन एंड की कीवर्ड, और फिर सिंपली अपना गेट सी एच. सो गाइज, अब इसको रन करके देखते हैं कि अपना आउटपुट क्या आता है. लेट्स रन दिस. यू कैन सी हम आउटपुट क्या देख रहे हैं कि वेरिएबल्स 8 हैं, कॉन्स्टेंट्स 1 है और कीवर्ड्स 2 हैं. अब मैं अपनी फाइल दिखाता हूँ आपको डेमो की. ठीक है, अब नाउ यू कैन सी डेमो फाइल में इसने बोला कॉन्स्टेंट एक है. ठीक है, सही बोल रहा है, कॉन्स्टेंट एक है 500. कीवर्ड्स इसने बोला दो हैं. ठीक है, फॉर हो गया एक और एक प्रिंट एफ हो गया. अब बाकी जो बचे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, 8 हमारे वेरिएबल्स हो गए. ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पे सिंपली एक प्रोग्राम देखा जिसमें कि हमने नंबर ऑफ कीवर्ड्स वगैरह काउंट करे, कॉन्स्टेंट काउंट करे. गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को भाई के.